Hi everyone, this is Anjali and welcome to my channel. So database management system जो आपका subject है in semester 2, right? इसका exam अब आपका आ गया है, आप लोग revision कर चुके होंगे, पर किसी भी subject की जो revision है वो तब तक अधूरी है जब तक उसके previous year papers ना कर लिए जाए. So whenever you prepare for any paper चाहे वो 12th का हो चाहे college का हो, आपको हमेशा PYQs देखने चाहिए. इवन जब आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तब भी आपको प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी ये देखना होता है कि इससे पहले कंपनी से कैसे क्वेश्चंस पूछे थे, किस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है. सो हर जगह PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि पहले से वो कैसे क्वेश्चंस पूछते आए हैं. सो दीज आर द PYQs फॉर योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आई विल शो यू द पेपर्स है, और अगर ये पेपर्स आपको डाउनलोड करने हैं तो यू हैव ऑप्शंस. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं वहां पे एक बार फिर से शेयर कर दूंगी. अदरवाइज आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक गिवन है, वहां से आपको ऐप डाउनलोड भी लिंक मिल जाएगा. अदरवाइज प्ले स्टोर पे जाओ और जाकर आप अपना AL कोडर्स ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए. इसके अंदर आपके पास सेमेस्टर 2 का कोर्स ये रहा, तो आपका लास्ट पेपर है, ठीक है. बाकी सेमेस्टर 3 का कोर्स भी लाइव कर दिया है मैंने, सो यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑल्सो. बट दिस इज योर सेमेस्टर 2 कोर्स, जिसके कंटेंट में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा. और इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपके पास एक फोल्डर है नोट्स एंड PYQs वाला, उसके अंदर आपको ये सारे जो PYQs वाली फाइल है वो यहाँ पर आपको असेसिबल होंगी. एंड वो अनलॉक्ड है. अनलॉक्ड है का मतलब है कि आप उनको बिना कोर्स को परचेज किए यूज कर सकते हो, ठीक है. सो यू डोंट हैव टू परचेज द कोर्स, यू कैन जस्ट यूज इट डायरेक्टली, ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पर आपको ये दोनों फाइल्स प्रोवाइड कर देती हूँ, जैसे कि ये है हमारा DBMS एंड टर्म पेपर्स, ठीक है. सो इट इज हेयर एंड आपके सामने मैं इसको अनलॉक कर रही हूँ. सो दिस इज अनलॉक्ड, राइट. सो विदाउट बाइंग द कोर्स आप ये प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हो. अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. मैं भी डिस्कस भी करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ, पर अगर आपके पास नहीं भी है तो आप यहाँ से इन पेपर्स को ले सकते हो. इसके अलावा यहाँ से आपको एक और PDF मिल जाएगी, दिस इज इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस. सो कुछ क्वेश्चंस हैं जो थ्योरी में आपसे बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उसके आंसर्स मैंने इसके अंदर दिए हुए हैं. सो वो PDF भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है. सो प्रीवियस ईयर पेपर से हमें एक तरह से आइडिया हो जाता है कि यूनिवर्सिटी आपसे किस तरह के सवाल पूछ सकती है, तो किस तरह के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और इसमें काफी क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं आपके. अभी इतने पेपर्स हो चुके हैं, आपने डेटा स्ट्रक्चर्स भी दिया, आपने न्यूमेरिकल मेथड्स मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स भी दिया, एंड यू डिड योर PHP ऑल्सो. तो यू हैव सीन कि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है. सो क्वेश्चंस आर रिपीटेड फॉर श्योर, वी हैव सीन दैट. इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स करना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है. सो यू कैन सॉल्व इट. आप ऐप में मुझे चैट में मैसेज करके डाउट्स भी पूछ सकते हैं. अगेन फॉर दैट यू डोंट हैव टू बाय अ कोर्स. तो अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, यू वॉन्ट टू आस्क मी, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. तो देखो, पेपर में अब दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो है थ्योरी क्वेश्चन और एक जिसमें आपको SQL क्वेरीज लिखनी होंगी या फिर आपको रिलेशनल एलजेब्रा की क्वेरीज लिखनी होंगी. मैं एक एक आपको दोनों सॉल्व करके दिखाती हूँ भी, ठीक है. ये जो आपके पास कंपलसरी पार्ट होता है, इसमें यूजुअली आपको सिर्फ थ्योरी पूछी जाती है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स. सो एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवर द प्रोसेसिंग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है. तो सिक्योर है, डेटा शेयर हो सकता है, इजिली मैनेज हो सकता है, क्वेरी हो सकता है, स्केलेबल है. सो बहुत सारे एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए हुए हैं एंड यू हैव टू राइट देम इन अ प्रॉपर मैनर. मेक श्योर कि आप पॉइंट्स में लिखें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है. एक्सप्लेन द रोल ऑफ ER मॉडल इन द डेटाबेस डिजाइन, इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे ER डायग्राम क्या होता है. एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिखा सकते हो. अब इसे पूछा है इंपॉर्टेंस बताओ, तो ये आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट आइडेंटिटीज, फिर उनमें आपस में रिलेशन क्या है, तो जॉइंस कहाँ बनेंगे, कैसे आप डेटा को स्प्लिट कर सकते हो, दैट ऑल यू गेट टू नो फ्रॉम द ER डायग्राम. डिफरेंस बिटवीन सीरियलाइजेबल एंड नॉन सीरियलाइजेबल ट्रांजेक्शन. सो सीरियलाइजेबल का मतलब होता है कि एक टाइम के अकॉर्डिंगली जो चीज काम करती है वो सीरियलाइजेबल होती है. नॉन सीरियलाइजेशन आती है वेन वी एग्जीक्यूट मल्टीपल ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली, पर हमें चाहिए कि हमारा रिजल्ट जो है वो प्रॉपर आए. इसका प्रॉपर डिफरेंशिएशन एंड आंसर मैंने आपको PDF में दे रखा है. What problems are encountered if data is not stored in normalized tables? So redundancy की problem होती है, जिसे duplicacy कहते हैं, और इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है. तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को आप एक्सप्लेन करोगे, एग्जाम्पल देके बताओगे कि कैसे ये प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं. एक्सप्लेन DDL
एंड डीएमएल गिव थ्री कमांड्स ईच ऑफ डीडीएल. दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन यू कैन गेट आउट ऑफ एसक्यूएल. ठीक है, व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस, व्हाट आर टू फॉर्म्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस. ये क्वेश्चन लिख लो, किसी ना किसी तरीके से जरूर पूछा जाएगा, किसी भी फॉर्म में आए पर आता जरूर है. सो डेटा इंडिपेंडेंस इज जब लोअर लेवल पे चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस अपर लेवल पर रिफ्लेक्ट नहीं होते. सो लोअर लेवल चेंजेस आर नेवर रिफ्लेक्टेड ऑन द अपर लेवल, दैट इज डेटा इंडिपेंडेंस. इसमें आप वो डायग्राम बनाओगे जो मैंने आपको बनवाया हुआ है इन द लेक्चर्स, फिजिकल लेयर, फिर उसके बाद लॉजिकल लेयर और एक्सटर्नल लेयर. तो फिजिकल लेयर में अगर चेंज होता है तो ऊपर वाली लेयर में नहीं होता, जिसे हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं. सिमिलर वे लॉजिकल लेयर में चेंज करते हैं तो उससे ऊपर वाले में नहीं होता, जिसे हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट. जिसमें प्राइमरी की होती है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है, बिकॉज ईच एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय अ प्राइमरी की, अ यूनिक वैल्यू. और जिसमें प्राइमरी की नहीं होती वो वीक एंटिटी सेट होता है. एग्जाम्पल देंगे, एक्सप्लेन करेंगे. सो दिस ऑल यू हैव स्टडीड, बट आपको हमेशा एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करना है, दैट मेक्स योर प्रेजेंटेशन बेटर. टेबल्स बनाओ, डायग्राम बनाओ टेबल्स के, दिखाओ कैसे वो वीक एंटिटी सेट है, कैसे वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो दैट विल ऑलवेज हेल्प यू. अब देखो यही सेम क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था, व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस, इसी को दूसरे तरीके से यहाँ फिर से पूछ लिया गया 6 नंबर के लिए. Describe the three schema architecture. Why do we need mappings between schema levels? How does different schema definition language support this architecture? So वही चीज है, wordings अलग है दोनों question की, पर answer आपका almost same आएगा दोनों में. ठीक है, तो वही चीज आपको explain करनी है, but question का formation अलग कर दिया है. A database is being constructed to keep track of the teams and the games of a sports league. A team has a number of players, not all of whom participate in each game. It is decided to keep track of the players participating in each game for each team, the positions they played in the game, and the result of the game. The design, you have to design the ER diagram for this application, stating the assumptions you make, and choose your favorite sports. So, इसमें देखो आपकी तीन entities हो जाएंगी, एक हो जाएगी team, एक हो जाएगी game, और एक हो जाएगी player. So, team, game, and player are going to be three entities. तो टीम के क्या क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए, एक प्लेयर के क्या क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए, गेम के क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे, एंड देन यू हैव टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीम एंड अ प्लेयर, अ गेम एंड अ प्लेयर, है ना, एंड अ टीम एंड अ गेम. सो लाइक दैट यू हैव टू शो व्हाट ऑल रिलेशनशिप्स विल बी देयर. सो दैट इज ईआर डायग्राम आपको यहाँ पर बनाने को आएगा. एक ईआर डायग्राम तो पक्का आएगा, सो प्रैक्टिस इट वेल, राइट. एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कीज विद एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड सुपर की. देखो चॉइस है आपके पास, अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से लिखनी नहीं आती है तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है. इसमें आपको बताना है कि कीज क्या होती है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, सब एक्सप्लेन कर डालो यहाँ पर विद एग्जांपल्स. एग्जांपल कभी मत भूलना. इलस्ट्रेट द यूज ऑफ सम एवीजी काउंट मिन मैक्स. एसक्यूएल में पांचों ग्रुप फंक्शंस कैसे यूज होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है. अगेन एक टेबल बनाओ एग्जाम्पल के लिए और फिर उस पर ये सारे फंक्शंस चलाकर दिखाओ कि क्या रिजल्ट आपका आएगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. Then we have considered the following relations. Customer ID, customer name, address or state है, parts में part का number, description or price है, and these are the three tables. अब आपको बोला है write query for each of the following. Find all customers who have placed order for part description tires. क्या बताना आपको customer का detail, लेकिन किसका, जहां पे description tires है. अब देखो customer तो ये है, इसके अंदर तो कहीं पर भी description है ही नहीं, तो इसमें है डिस्क्रिप्शन, पर क्या इन दोनों टेबल्स में कोई कॉमन कॉलम है, नहीं है. इसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है, इसमें पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन, नथिंग इज कॉमन. बट एक कस्टमर क्या प्लेस करता है, ऑर्डर. कस्टमर ने प्लेस किया ऑर्डर किसी एक पार्ट के लिए, तो कस्टमर को मैं यहाँ लिंक कर सकती हूँ कस्टमर आईडी की हेल्प से ऑर्डर से, और फिर इस ऑर्डर को हम लिंक कर सकते हैं पार्ट नंबर की हेल्प से पार्ट के साथ, और फिर देख सकते हैं कि उस पार्ट की डिस्क्रिप्शन अगर टायर्स है तो कस्टमर की डिटेल को दिखा दिया जाए. ठीक है, सो इफ यू हैव टू राइट द क्वेरी फॉर दिस, सो इसमें आपका ट्रिपल जॉइन लग रहा है, आप तीन टेबल्स को आपस में लिंक कर रहे हो. सो ये क्वेरी आपकी कुछ ऐसे हो जाएगी. सिलेक्ट कस्टमर नेम, आप स्टार भी लिख सकते थे, डिटेल्स ऑफ कस्टमर दिखाना है तो मैंने सिलेक्ट कस्ट नेम लिख दिया. सिलेक्ट कस्ट नेम फ्रॉम कस्टमर सी कॉमा पार्ट पी कॉमा ऑर्डर ओ. सो अलाइसिस दिए टेबल के, जरूरी नहीं है आप अलाइस दो, दे सकते हो, आगे लिखना थोड़ा इजी हो जाता है कमांड को. सो सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर कॉमा पार्ट्स कॉमा ऑर्डर, जहां पे कस्टमर का और ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी सेम हो, एंड ऑर्डर टेबल का पार्ट नंबर एंड पार्ट्स वाले टेबल का पार्ट नंबर सेम हो, एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो टायर्स.
है ना। सो आपके पास तीनों टेबल्स को आप ज्वाइन कर रहे हो, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन की वैल्यू है वो टायर्स होनी चाहिए, तो वहां पे जो मैचिंग डेटा है वो उसको दिखा दे, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन लिंक थ्री टेबल्स टुगेदर एज वेल। तो ये तीन टेबल्स को आप ऐसे लिंक कर सकते हो। अगर यही चीज आपको रिलेशनल अलजेब्रा में बोल दी जाती तो आप कुछ इस तरह से करते। तो ये वाला जो है सेकेंड वाला आपका, ये इसका आंसर है। तो पहले हमने कस्टमर को ऑर्डर के साथ रिलेशनल अलजेब्रा में लिंक किया कस्टमर आईडी के बेसिस पे, फिर उसको लिंक किया पार्ट्स के साथ पार्ट आईडी के बेसिस पे। ये जो पूरा लिंक बना, इसमें से हमने क्या फेच किया, कस्टमर का नाम, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है, टायर्स है। ठीक है, सो आपको पेपर में ध्यान से देखना है कि आपको क्या पूछा गया है। हैव दे आस्क्ड यू अबाउट द क्वेरी और दे हैव आस्क्ड यू अबाउट रिलेशनल अलजेब्रा स्टेटमेंट, तो जो पूछा है वो आप आंसर करेंगे। इसमें पहली क्वेरी ही थोड़ी टफ थी, बाकी की सिंपल है। फाइंड कस्टमर नेम एड्रेस ऑफ कस्टमर हु हैव परचेज पार्ट नंबर 10 एंड क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज मोर देन 100। अब इसमें देखो, नेम और एड्रेस तो कस्टमर टेबल से आएगा, लेकिन जो पार्ट नंबर 10 है और क्वांटिटी 100 से ज्यादा है वो मेरे को ऑर्डर टेबल से ही मिल जाएंगे। तो मुझे दो ही टेबल्स में ज्वाइन परफॉर्म करना है, तीन टेबल्स में नहीं करना है। तो इसकी क्वेरी कुछ ऐसे हो जाएगी, सिलेक्ट सी नेम कॉमा एड्रेस कॉमा पार्ट नंबर कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम कस्टमर नेचुरल ज्वाइन ऑर्डर। तो मैंने यहाँ अब ज्वाइन की कंडीशन नहीं लगाई, मैंने नेचुरल ज्वाइन लगा लिया। आप ऊपर भी लगा सकते थे नेचुरल ज्वाइन, ठीक है, वेयर पार्ट नंबर इज इक्वल टू 10 एंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100। दो टेबल्स में ज्वाइन एंड एक्स्ट्रा कंडीशन जो थी वो आपने यहाँ पे दे दी। ठीक है, तीसरा है फाइंड द कस्टमर नेम एड्रेस ऑफ दोज कस्टमर्स रिजाइडिंग इन द स्टेट दिल्ली। इसमें तो सिर्फ एक ही टेबल से है, सिर्फ कस्टमर टेबल ही है, तो सीधा ही हो जाएगा सिलेक्ट कस्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम कस्टमर वेयर स्टेट इज इक्वल टू दिल्ली, है ना, इट्स एज सिंपल एज दैट। फिर है कस्टमर नेम दैट हैव बीन प्लेस्ड ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट विद प्राइस मोर देन 500। तो इसमें ऑर्डर टेबल की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसमें हम ऑर्डर टेबल की भी लगा देंगे कंडीशन। सो ये आपका हो गया ये वाला स्टेट इज इक्वल टू दिल्ली वाला, और ये आपका हो गया सिलेक्ट कस्ट नेम फ्रॉम कस्टमर नेचुरल जॉइन ऑर्डर वेयर प्राइस ग्रेटर देन 500। सो दिस इज द एसक्यूएल क्वेरी फॉर दैट। और यही उनके यहाँ पर रिलेशनल अलजेब्रास लिखे हुए हैं मैंने, जैसे कि पाई कस्टमर सिग्मा प्राइस ग्रेटर देन 500 कस्टमर नेचुरल जॉइन ऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी। सो ये रिलेशनल अलजेब्रा हो गया आपका इसका। ठीक है, ऐसे जो भी आपके पास कंडीशन हो, सिंगल टेबल हो, दो टेबल हो, तीन टेबल हो, आप ऐसे कंडीशंस दे सकते हो। और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, डिपेंड्स आपको क्या पूछा गया है। ठीक है, सो अभी आगे चलते हैं। गोइंग फर्दर एक्सप्लेन स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर्स इन डीबीएमएस विद एग्जांपल। तो इसमें आपको बताना है कि भाई स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, कि इट्स अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, हम बना के रख देते हैं, उसके बाद जब तक हम उसे कॉल नहीं करते वो एग्जीक्यूट नहीं होता। सो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, फिर हम लिखते हैं बिगिन और फिर उसके अंदर स्टेटमेंट्स, एंड सेमी कॉलन। तो वो जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी वो हमने लिख दी, अब वो एग्जीक्यूट सिर्फ तभी करेंगे जब आप उसे कॉल करोगे, अनलेस वी कॉल इट इट्स नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर इज ऑल्सो अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, लेकिन उसका नाम नहीं होता, मतलब ट्रिगर का नाम होता है पर वो कॉल के थ्रू कॉल नहीं कर सकते। इट ट्रिगर्स मतलब कहते हैं ना, मुझे मेरा गुस्सा ट्रिगर कर दिया, ट्रिगर का मतलब है जो अपने आप हो जाए किसी और एक्शन के ऊपर बेस्ड। सो कोई और एक्शन होगा उसके बदले में हम इस चीज को ट्रिगर कर रहे हैं, उसके बदले में हम रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सो दैट इज ट्रिगर। कि हमने कहा क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर T1 ऑन अपडेट ऑन एम्प अपडेट। सो मीन्स जब एम्प्लॉय टेबल में अपडेट हो तो ये वाला ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, या जब एम्प्लॉय टेबल में से डिलीट हो तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो हम वो बता सकते हैं। और वो कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है जब आप वो दूसरा काम परफॉर्म करते हो। तो आपको इसमें इनकी डेफिनेशंस देनी है और एक छोटा छोटा एग्जांपल लिख देना है इसका। ठीक है, देन चॉइस में क्या है, व्हाट आर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। सो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में आपके पास आ गया आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड एंटिटी इंटीग्रिटी। सो एंटिटी इंटीग्रिटी में आप एक्सप्लेन करोगे प्राइमरी की और वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होनी चाहिए एंड ऑल दैट थिंग, एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में आप फॉरेन की वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन करोगे। नल वैल्यू कंसेप्ट इज यूजफुल वन बट अ लार्ज यूज ऑफ नल वैल्यू इज इम्प्लीमेंटेड डेटाबेस इज नॉट डिजायरेबल। देखो ये कोई सेंस नहीं बनती, 6 नंबर का इस पे आप क्या लिख लोगे, है ना, बट आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एसक्यूएल नल वैल्यूज को कैसे ट्रीट करता है, नल वैल्यू एग्जैक्टली होती क्या है। सो नल वैल्यू मीन्स नथिंग एट ऑल, इट इज नो वैल्यू, इट्स नॉट जीरो, इट्स नॉट ब्लैंक स्ट्रिंग, इट इज नो वैल्यू एट ऑल। उसका क्या पर्पस है, क्यों होती है, वो सब आपको यहाँ बताना पड़ेगा।
तो ऊपर वाली ऑप्शन इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, राइट? डिस्क्राइब फुल जॉइन एंड डिविजन ऑपरेशनल रिलेशनल एल्जेब्रिक ऑपरेशंस गिवन वन एग्जांपल ऑफ ईच. आपको दो टेबल्स लेने पड़ेंगे एग्जाम्पल में, फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि इसके ऊपर अगर हम फुल ज्वाइन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है. ऐसे ही अगर आप दो टेबल्स लेते हो और उसके ऊपर डिवीजन ऑपरेशन करते हो तो क्या रिजल्ट आता है. सिर्फ लिखने में 6.5 नंबर नहीं मिलेंगे. सो सिर्फ थ्योरी नहीं लिखनी है, थ्योरी लिखिए, छोटे छोटे टेबल्स बनाइए और उन छोटे छोटे टेबल्स के ऊपर अपना ऑपरेशन एक्सप्लेन करके दिखाइए. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म 1.5 मार्क्स के लिए है: नॉर्मलाइजेशन, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस 1.5. सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, नथिंग टू एक्सप्लेन. क्वाड रूल्स, 12 क्वाड रूल्स होते हैं आपके पास, रटने हैं, घोट के पी जाओ. आने के चांसेस हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस, उसके अंदर ये 12 क्वाड रूल्स हैं, जस्ट रिमेम्बर दैट, ठीक है? व्हाट आर द सेट ऑपरेशंस, एक्सप्लेन ईच विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. व्हेन टू टेबल्स आर सेट टू यूनियन कंपैटिबल, हाउ आर द रिजल्ट्स ऑर्डर्ड. सो इसमें आपको बताना है सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं, कंपैटिबिलिटी के लिए क्या चीजें होती हैं, ठीक है? What is transaction? Explain asset properties. Again, straightforward questions. Straightforward answer is there in the most important theory questions. Discuss the transaction failure. ये भी उसके अंदर है कि transaction fail क्यों हो जाती है, क्या करना चाहिए उसमें. So it's there. Locking अब आपके syllabus में नहीं है, it's removed. तो ये last year था. Explain two-phase locking scheme for data recovery. How two-phase locking helps in maintaining integrity in the database. फिर भी आप basic locking पढ़ के जाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता, आ भी सकता है. बाकी ये ऊपर वाली चॉइस बेटर है इस केस में. एंड देन यहाँ पर है एक्सेस कंट्रोल के लिए ग्रांट और रिवोक कमांड्स कैसे यूज होती है एसक्यूएल में. तो आप किसी भी यूजर को किसी टेबल के ऊपर ग्रांट दे सकते हो, या वो वापस लेनी हो ग्रांट तो हम रिवोक यूज कर सकते हो, ठीक है? ये तो 2023 का पेपर था. उसके बाद ये भी जो पेपर्स हैं सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप देख पा रहे हो यहाँ पर. एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, ओवर फाइल प्रोसेसिंग, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है? ये आपके पास डिफरेंट है. एक्सप्लेन सब क्लास, सुपर क्लास, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन. सो सब क्लास, सुपर क्लास जैसे आपने पीएचपी में पढ़ा था, यहाँ पे भी वही चीज है, बस आपको इसको थ्योरेटिकली डायग्राम बना के शो करना है. तो जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं स्पेशलाइजेशन हो जाती है. जैसे व्हीकल जनरल है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर है ना, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन हो गई. फोर व्हीलर में भी फर्दर पार्ट्स आ गए तो वो और स्पेशलाइजेशन हो गए. सो जैसे जैसे इनहेरिटेंस डायग्राम में हम नीचे जाते हैं स्पेशलाइजेशन होती जाती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जनरलाइजेशन होती जाती है. देन डीडीएल, डीएमएल बताओ उसके एग्जांपल्स दो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेशनशिप कार्डिनलिटी, इसमें आपका आ जाएगा 1:1, 1:many, many:1 एंड many:many रिलेशनशिप्स, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कंस्ट्रेंट्स, इसमें आप अपने कंस्ट्रेंट्स एक्सप्लेन करोगे. एसेट प्रॉपर्टीज ऑफ डीबीएमएस, ईआर डायग्राम, easy questions. Different types of attributes with example composite, derived and multi-value attributes क्या होते हैं. So जो attributes हम बनाते हैं, compositors जो मिलाकर काफी सारी value को बने, derived जो actually में attribute है नहीं लेकिन वो किसी और value से, जैसे date of birth है, अब उससे हम age derive कर सकते हैं. So derived होते हैं, है ना, जिसमें values एक से ज्यादा हो वो multi-valued हो जाते हैं. Discuss 3-tier architecture, बताया था मैंने आपको, physical, external, logical layer वाला, ये तो आता ही आता है. एक और चॉइस में है डिफरेंट टाइप ऑफ कीज, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन. लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, अगेन रिपीटेड क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था विद एसक्यूएल क्वेरीज, दो मैंने आपको इसका रिलेशनल अल्जेब्रा दिखाया था. इस पेपर में ये सेम क्वेश्चन है, बस रिलेशनल अल्जेब्रा पूछा हुआ, ठीक है? डीबीएमएस में व्यू क्या होता है ये इसके साथ है. यहाँ आपको ईआर डायग्राम बनाने के लिए पूछा है और इंडेक्स के एडवांटेज पूछे है. सिमिलर वे वी हैव दिस क्वेश्चन विद एसक्यूएल, 12.5 नंबर का ही है. इसमें टेबल भी बनाना है, कॉलम ऐड करना है एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू डू. सो इसकी आंसर्स कुछ इस तरह से है. सो सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल्स टू. इसका एसआईडी इंटीजर प्राइमरी की होगा, नेम है, कोर्स है और सेमेस्टर है, ठीक है? फिर दूसरा टेबल बनाया हमने स्टू प्रोजेक्ट, इसमें एसआईडी फॉरेन की है विच इज रेफरेंसिंग टू द एसआईडी ऑफ स्टू टेबल. प्रोजेक्ट आईडी है, उसकी प्रोग्रेस है और प्राइमरी की जो है दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसआईडी एंड पीआईडी. फिर नया कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है, ऑल्टर टेबल. ऑल्टर टेबल्स टू प्रोजेक्ट ऐड प्रोजेक्ट नेम वर्कर टू. पूरा का पूरा एसक्यूएल मैंने अपलोड किया हुआ है, इनकेस आपको किसी भी क्वेरी में डाउट है आप जाकर एसक्यूएल वाली प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो. ये आपका जॉइन का क्वेश्चन है, तो जॉइन हमने ऑलरेडी एक में डिस्कस कर लिया है. अगर आप इसको इक्वी जॉइन से करते हो तो आप इसको ऐसे लिखेंगे लाइक दिस. पहले जॉइन की कंडीशन एंड प्रोग्रेस ग्रेटर देन 40. नेचुरल जॉइन से कर रहे हो तो सीधा आ जाएगा नेचुरल जॉइन और कंडीशन में सिर्फ प्रोग्रेस पे आ जाएगा. डिलीट करने के लिए वे यूज डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम टू प्रोजेक्ट वेयर प्रोग्रेस इज लेस देन 10.
इसमें हम अपडेट करा रहे हैं उनको जिनका कोर्स बीसीए है। तो मुझे कैसे पता चलेगा किसका कोर्स बीसीए है, तो यहाँ पर मैं सब क्वेरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अपडेट्स टू प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्रेस इज इक्वल टू प्रोग्रेस प्लस 0.1 इनटू प्रोग्रेस, क्योंकि 10% इंक्रीज करना था। जहां पर एसआईडी कहां मैच करती है, उन स्टूडेंट से जिनका कोर्स बीसीए है। तो सेलेक्ट एसआईडी फ्रॉम टू वेयर कोर्स इज इक्वल टू बीसीए, देन वी हैड टू क्रिएट अ व्यू। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ व्यू। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 12.5 नंबर। अगर आपने एसक्यूएल अच्छे से पढ़ी हुई है एंड यू कैन राइट द क्वेरीज, आपको सीधे सीधे 12.5 नंबर बड़े ही प्यार से यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म चॉइस है, मैं होती तो ऑब्वियसली ऊपर वाला क्वेश्चन करती। देन कंकरेंसी बताओ क्या होता है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ लॉस्ट अपडेट डर्टी रीड एंड करेक्ट समरी विद एग्जांपल। देन एक्सेस कंट्रोल ग्रांट रिवोक, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, या चॉइस में क्या है, टू फेस लॉकिंग बताओ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज एंड थ्रेट्स टू डेटाबेस सिस्टम। तो यूनिट 4 बहुत ही जेनरिक है, लेकिन इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं पीवाईक्यूज में स्पेशली हर यूनिवर्सिटी में ही होते हैं वैसे तो रिपीटेड क्वेश्चन, आईपी में तो खास तौर से ही होते हैं। सो आप ये सब ट्राई कीजिए कि यहाँ पे भी एसक्यूएल, ये रिलेशनल स्कीमा के ऊपर बोला हुआ है, आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखिए। सो ट्राई दिस आउट, ये सारे पढ़ के देखो, एक्सप्लेन कॉर्ड्स रूल्स, वही सेम चीजें पूछी गई हैं घुमा फिरा कर अलग अलग तरीके से, बट इट्स द सेम थिंग विच इज आस्क्ड अगेन एंड अगेन ओवर एंड अगेन ओवर इन डिफरेंट ईयर्स। तो आप इनको प्रैक्टिस करो, जहाँ कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में है पेपर का ईयर लिखो, कौन से ईयर के पेपर में प्रॉब्लम आ रही है और किस क्वेश्चन में आ रही है। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कल पेपर है, सो यू कैन आस्क विद ईच अदर द क्वेश्चंस। ठीक है, सो इस सेमेस्टर का आपका लास्ट एग्जाम है, इसके बाद सेमेस्टर 3 के लिए हम शुरू करेंगे जुलाई से। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेमेस्टर 3। उसमें मैं आपको C++ लाइव कराऊंगी आपके ऊपर, तो C++ हम लाइव शुरू करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एंड अगर आप इलेक्टिव में पाइथन लेते हो वो भी आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। सो जो आपके पास यहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा बीसीए सेमेस्टर 3 का, इसके अंदर यू विल बी गेटिंग 4 सब्जेक्ट्स। आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो मैं आपको गाइड करूंगी, हाउ डू यू चूज कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए उसमें से। आप साइबर सिक्योरिटी भी ले सकते हो, वेब डेवलपमेंट भी ले सकते हो, आप पाइथन भी ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपके जो 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होंगे इस कोर्स में सेमेस्टर 3 वाले में, वो होगा ऊप्स यूजिंग C++, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो ये तो 3 कंपल्सरी है, वो तो आपको यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें C++ लाइव कराया जाएगा। ठीक है, सो बेसिक जो C++ की वीडियोस हैं जो C के सिमिलर हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप शुरू कर सकते हो, पर जो एक्चुअल लूप्स कंसेप्ट है वो मैं लाइव कराऊंगी। और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, पाइथन भी आपको पूरा रिकॉर्डेड यहाँ पे मिलेगा, बट अगेन इन द लाइव सेशंस यू कैन आस्क द डाउट्स, राइट। सो पाइथन उनको ही करना होगा जो उन्होंने पाइथन इलेक्टिव में चूज किया है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बाकी 3 आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर DBMS एग्जाम, अच्छे से कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज आपकी पूरी बीसीए की तैयारी अलॉन्ग विद योर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट हेल्प यू विल बी गेटिंग ऑन द ऐप, एंड चैनल पे भी आपको सारी हेल्प मिलती है। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर डूइंग बीसीए। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट।